हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हर किसी को पसंद आता है। हमने एक बड़ा बोल राजमा लिया है। इसे हमने 6 से 7 घंटे पहले भिगो दिया था और अब ये बिल्कुल फूल चुका है। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। 4 बड़े चम्मच तेल, कद्दूकस करके अदरक लिया है, खड़ा गरम मसाला लिया है, तेज पत्ता, हरी इलायची के दाने 2 लौंग, बड़ी इलायची के दाने, काली मिर्च के 4 से 5 दाने और दालचीनी। हरी धनिया को बारीक काट के लिया है, 1 बड़ी चम्मच नमक, 1 हरी मिर्ची को काट के लिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना राजमा बनाना। अब हम अपने राजमे के लिए मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग 1 बड़ी चम्मच, और इसे मीडियम गैस पे थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा तेल थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने सारे गर्म मसाले डाल देंगे और इनको तेल में मिक्स करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, वरना हमारा मसाला जल सकता है। अब हम इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम गैस पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है जितना कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इनका छिलका थोड़ा नरम हो गया है, उतरने लगा है। अब हम अपनी गैस को ऑफ करेंगे। हमें इसे ब्लेंड करना है, इसीलिए पूरी तरीके से ठंडे होने दें, गरम इसको ब्लेंड नहीं करना है। हमारा मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम अपने मसाले को ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। हमारे मसाले का स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार है। प्रेशर कुकर में हम अपना तेल डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो दूसरा प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सेम प्रेशर कुकर लिया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपना जीरा डालेंगे, साथ ही साथ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अपना मसाला डालेंगे जो हमने पीसा था। अब इसको भी मिक्स करेंगे और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इसके ऊपर तेल आना शुरू ना हो जाए। हमारे मसाले के ऊपर तेल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि हमारा मसाला भुन गया है। अब हम अपने मसाले में राजमा डालेंगे। यहाँ पे हम कच्चा राजमा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसे बॉईल नहीं किया है। अब इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लगभग 2.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ये कच्चा राजमा है तो इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये पानी थोड़ा ज़्यादा सोखेगा, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना ज़रूरी है। हमने नमक मसाले में ही डाल लिया था, इसलिए अब दोबारा इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुकर को बंद करेंगे। अब हाई फ्लेम पे
इसमें 4 सीटियां आने देंगे। हमारे प्रेशर कुकर में 4 सीटियां आ गई हैं। अब हम गैस को लो फ्लेम पे करेंगे और इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को ऑफ करेंगे और अपने कुकर को ठंडा होने देंगे। हमारा राजमा बन गया है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गल गया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब ऊपर से इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे गार्निशिंग के लिए। हमारा राजमा बन करके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे बिना बॉईल किए कच्चा ही पकाया था। आप इसे पूड़ी, पराठे, चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। स्पेशली चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।